हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों का आंसर की लेके आया हूँ। आंसर की लेके आने में बहुत ही लेट हुआ, एक्चुअली शेड्यूल बहुत बिजी है मेरा, तो इसके लिए आंसर की लेके नहीं आ पा रहा था। आज थोड़ा सा टाइम निकाला हूँ तो सोचा आप लोगों को बताऊँ मैं। और आज आप लोगों का रिजल्ट भी आ सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है कि अनवर्ड 11th अगस्त, तो अनवर्ड का मतलब होता है कि के बाद, मतलब 11 के बाद, बट कोई ज़रूरी नहीं है, आज आ सकता है, आफ्टरनून आ सकता है। आप वेट करिए, और रिज़ल्ट के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट एक्साइटेड हैं, एक्साइटेड होना भी चाहिए, अच्छी बात है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और अभी टाइम नहीं तो मैं आप लोगों को बताता कि आखिर बहुत सारे स्टूडेंट बात कर रहे हैं कि लखनऊ कॉलेज अच्छा नहीं है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी, चाहे आप जितने भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो, जब तक खुद से अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कॉलेज कोई ख़राब या अच्छा नहीं होता, जो भी है सब अच्छा है। अभी आप ट्रांसफ़र करने का मत सोचो, जो मिला है उसे एक्सेप्ट करो, अच्छे से स्टडी करो, प्लेसमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अपने घरों में देखा होगा जो मोटर होता है ना टैंक में पानी भरने के लिए, तो क्या होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो टैंक में पानी भरता है, उसमें फिर वो मोटर घूमता है, इससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, देखिए पीपीटी वालों के लिए पूछा गया था। एक्चुअली जो पीपीटी वालों का मैंने लिख दिया है, और कहें कि डीपीटी वालों का भी लिख रखा है, बट जहाँ पर नहीं लिख रखा है वहाँ समझिए कि वो डीपीएमटी या डीपीटी का ही है। और पीपीटी का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आया था, केवल फार्मूले पे ही था वही सब का क्वेश्चन, मैंने अभी जितना मेरे को मिला मैक्सिमम फार्मूले पे ही है। देखिए द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली 9 cm² एंड 449 cm². द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, बोल रहा है कि दो त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज है ना, इनका जो एरिया है ये समान है, तो बोल रहा है कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। या तो इसको ले लो, या ये, या फिर ये, या फिर ये, इन तीनों में से कोई, मतलब संगत जो भुजाएं होती है ना उनका अनुपात क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होता है ना, फार्मूला देखिए मैंने लिख रखा है, समरूप त्रिभुज के लिए होता है, सिमिलर त्रिभुज ट्राइंगल के लिए A1/A2, मतलब पहले त्रिभुज का एरिया डिवाइडेड बाई दूसरे त्रिभुज का एरिया, वो होता है X1/X2² X1 बोले तो मतलब ये X, मैंने उसको भुजा को माना है X है, ठीक है, XY जो भी है, तो उस X1² / X2² जब आप इस फार्मूले पे उसको पुटअप करोगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायगोनल ऑफ 2² आर इन द रेशियो 2:5, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अभी बोला कि दो वर्ग हैं स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं समान होती है, ठीक है, बोला इसकी दो वर्ग हैं, ठीक है, इसके दोनों जो विकर्ण हैं ना, ये दो है और ये पांच है, मतलब इसमें जो रेशियो 2/5 का रेशियो विकर्णों में, तो बोला कि इनका एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया का रेशियो क्या होता है, एक तो ये देखिए विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, D/A√2, ए उसका डायगोनल का फार्मूला होता है। आप तो यहाँ से उसका आप निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है, या फिर उसी फार्मूले को थोड़ा सा आप चेंज करोगे तो फार्मूला ए आएगा आपका, A=1/2D², ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। आप ए फार्मूला है ना, A1/A2 करके लगाना, और जो D1/D2 का वैल्यू है ये रख के सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्या है, ओनली फार्मूले बेस पे ही है सभी क्वेश्चन आपके, अभी मुझे जितना मिले सब फार्मूले पर ही है, कोई ऐसा नहीं है कि घुमा के दिया हो क्वेश्चन, सब फार्मूले पे। देखिए इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन
सिक्स एक्स स्क्वायर, ये सिक्स क्रॉस टू नहीं है, सिक्स एक्स स्क्वायर है, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन है, सॉरी स्क्वायर इक्वेशन। तो सिक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, इसका डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ एक है, तो उसका उसमें b का वैल्यू पूछ रहा है। b का वैल्यू आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू इसका वैल्यू कितना दे दिया, एक दे दिया, एक दे दिया। अब b की जगह पे माइनस बी रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस फोर ए की जगह पे कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, c की जगह पे कितना टू है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा, सेम आपका आएगा अंडर रूट 49 आएगा। जब आप अंडर रूट हटाओगे तो 7 आंसर आएगा। जब आप अंडर रूट हटाते हो ना तो उसको प्लस माइनस में लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौभाग्य ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम रिलेट्स टू व्हिच एरिया ऑफ द फॉलोइंग। बोला कि जो सौभाग्य स्कीम है, भारत सरकार की जो स्कीम है सौभाग्य, ये किस किससे रिलेटेड है। तो ये घर घर बिजली योजना जित होने उसके लिए, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब घर घर बिजली पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइटर ऑफ नेशनल एंथम, मैंने बताया था क्वेश्चन आप रविंद्रनाथ टैगोर, और इन्होंने बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा हुआ है और इंडिया का भी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन कौन है, बी आर अम्बेडकर हैं, भीमराव अम्बेडकर। आपके ऑप्शन में बी एस अम्बेडकर दिया था, वो मिस टाइपिंग हो गया होगा, ये भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द पैथ ऑफ यूरिन फ्लो इन ह्यूमन बॉडी। बोला कि जो यूरिन फ्लो होता है ह्यूमन बॉडी में, उसका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, वो सीक्वेंस पूछ रहा है। तो यूरिन फ्लो उसका सीक्वेंस क्या है, किडनी होता है, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये उसका सीक्वेंस है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि द मिनिमम एज ऑफ लोकसभा कैंडिडेट इज 25। लोकसभा कैंडिडेट जो इलेक्शन में होते हैं ना, तो उसके लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए 25 होनी चाहिए, और भी 3-4 कंडीशन होते हैं इसके, वो इंडियन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 में क्या है कि महात्मा गांधी दांडी मार्च ए ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एसोसिएटेड। तो बोल रहा है कि जो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था, उस घटना को किसमें संबंधित है, तो वो सोडियम क्लोराइड से संबंधित है। दांडी मार्च को हम नमक सत्याग्रह बोलते हैं, नमक सत्याग्रह, तो नमक यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl को हम नमक बोलते हैं, ठीक है। तो नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके लिए वो सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर द लाइव वाटर टर्न्स मिल्की, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। बोल रहा है कि कोई टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें लाइम वाटर भरा हुआ है, जब आप मतलब मुंह से इसमें फूंक मारते हो ना, तो ये क्या हो जाता है, मतलब मिल्की हो जाता है, हल्का हल्का दूध के टाइप का दूधिया हो जाता है। तो बोला कि ये किस रीजन से होता है, तो ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं ना, मतलब सांस बाहर करते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
नेक्स्ट आपका ग्रेटा थनबर्ग, ए टीनेज इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हेल फ्रॉम, बोला कि ग्रेटा थनबर्ग ये मतलब एक एक इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, ये कहाँ से रिलेट कहाँ से हैं, ये स्वीडन से हैं, एक फीमेल हैं, 15 ईयर के एज में इन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट को लेके, अभी उन करंट में 17 ईयर की हैं, स्वीडन की रहने वाली हैं ग्रेटा थनबर्ग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 31 दिसंबर 1929 इन विच वन ऑफ द कांग्रेस सेशन वाज प्रोक्लेमेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, बोला कि 31 दिसंबर 2029 को कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, तो जो लाहौर अधिवेशन था ना लाहौर, उसमें घोषणा किया गया था 1929 में। लाहौर कहाँ, अभी पाकिस्तान में, उस टाइम इंडिया में था पंजाब में, अभी लाहौर पाकिस्तान में। अब तो आप ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा कि फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट ऑफ 6 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सच देन 10α = 3/4। अब देखिए बोल रहा है कि एक कोई पोल है, ठीक है, कोई पोल है 6 मीटर का, और इसकी परछाई ज्ञात करनी है, ये जो परछाई बन रही है ना इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, परछाई की लंबाई बन रही है इसकी, यही ज्ञात करनी है हमें अल्फा, और 10α का मान हमें दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभी आप यहाँ पे 10α ले लो, 10α ले लोगे ना तो 10α इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा, 10α का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो ये लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। जब इसको लेके आप सॉल्व करोगे एक कर्ण, तो फिर क्या एक कर्ण हो जाएगा, तो लंब बाई कर्ण लेके सॉल्व करोगे इसको और इक्वल टू में 3/4 रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो आंसर आ जाएगा बी आएगा, 8 आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु अमंग द फॉलोइंग ओन द बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड ऑफ फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019, बोला कि 2019 में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला था, फीफा फुटबॉल अवार्ड में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसे मिला था, तो वो मिला था मेसी को मिला था बेस्ट प्लेयर का अवार्ड, इन्होंने रोनाल्डो को पीछे करके अवार्ड जीता था। और मेसी किस कंट्री के हैं, ये बार्सिलोना क्लब से खेलते हैं और अर्जेंटीना के रहने वाले, और रोनाल्डो कहाँ से खेलता है, अभी करंट में जुवेंटस में है, इसके पहले वो रियल मैड्रिड में था, और ये पुर्तगाल का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 देखिए, द नंबर ऑफ रिब्स इन ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24 होती है, ये 12 का एक पेयर होता है, ये मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, 24 पीस होते हैं, 24 नंबर, यानी कि वन पेयर बोले तो 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर एंड वन अदर ऑफ इट्स डायगोनल इज 17 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये देखिए ये भी केवल फार्मूले पे आपको रखना है, केवल क्वेश्चन समझना है, बोला कि वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, एक आयताकार आयत है, आयताकार खेत है, बोला कि वन साइड इसका दे दिया है 15, मान लीजिए ये 15 दे दिया ना, रेक्टेंगल में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, तो ये 15 तो ये भी 15 होगा। फिर बोला कि इसका एक विकर्ण दे दिया
17 दे दिया है, 17 मीटर। ठीक है, अभी बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल का पता लगाएं, खेत के क्षेत्रफल का पता लगाएं। तो क्षेत्रफल का जो फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें चौड़ाई पता, लंबाई नहीं पता। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ये एक राइट एंगल त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। तो अभी आप इसको समकोण त्रिभुज समझ के, इसमें जब आप समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगाओगे, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से फिर लंबाई इंटू चौड़ाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर आएगा 120। और जब फार्मूला पुटअप करोगे तो ये 17 तो ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक, 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग एफिलिएटेड टू जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट। बोला कि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पे है, तो ये पुणे में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि HCF पूछ रहा है, उन्होंने तीन नंबर दे दिए हैं, 204, 1190 और 1445। इसका HCF पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब है, मतलब समझना कि जो सबसे बड़ा हो, ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट बोले तो जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे ज़्यादा क्या है कॉमन, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, इन तीनों को जब आप ब्रेक करोगे ना, 204 को आप ऐसे ब्रेक करो और 1190 को जब ब्रेक करोगे ऐसे आएगा, इतना आएगा, और 1445 को जब करोगे तो 5 × 17 × 17। अब देखो, तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन केवल 17 है। ठीक है, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो जो मेरा आंसर हो जाएगा वो 17 होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 3:1। द रेशियो ऑफ देयर एरिया, बोल रहा है कि उसके परिधि का जो अनुपात है दे दिया है, परिधि दो वृत्त हैं उनका परिधि का अनुपात दे दिया, सर्कमफ्रेंस का, उनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो इसको आप 2πr1 × 2πr2 एक मान लीजिए, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3:1 दिया है, और रेडियस आप मान लो कि r1 और r2 है, सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला आता है 2πr होता है, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखिए 2πr1 × 2πr2 = 3:1। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा r1 × r2 = 3/1। अभी जो वृत्त का फार्मूला होता है 2πr² होता है, तो उसका हमें रेशियो पूछ रहा है, तो 2πr1² × 2πr2² रख देंगे, तो r1 और r2 का मान आप जैसे ही इसमें पुटअप करोगे तो इसमें 9:1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। स्टैचू ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये गुजरात में है, और किसकी वहाँ पे प्रतिमा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बनाया गया, नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैनिटरी केमिकल यूज इन डिसइंफेक्शन। अभी जो एक्चुअली जो अभी आप देख रहे हैं ना, हर जगह सैनिटाइजर का छिड़काव किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, तो उसमें एक केमिकल मिला होता है, उसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला रहता है सैनिटाइजर। अभी हम लोग जो छिड़काव करते हैं ना, तो उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइड मिला रहता है। अगर आप वो अपने कपड़े पर मार दोगे ना, तो कपड़े का रंग चला जाता है,
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट आपका द नेशनल वाटर एकेडमी इज लोकेटेड इन, ए बी आपका पुणे में है खड़गवासला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इसको मैं बताया था, वेयर डिड द कोरोना वायरस ओरिजिनेटेड, वुहान चाइना, ये क्वेश्चन मैं बता चुका था आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 है, इफ़ टू नंबर डिफर बाय टू एंड देयर प्रोडक्ट इज 360 फाइंड द नंबर, बोला कि दो कोई डिजिट है जिनका डिफरेंस दो है, उनका अंतर, दो संख्या है जिनका अंतर दो है और उनका गुणनफल क्या है 360 है, तो संख्या ज्ञात करिए। एक तो ऑप्शन है, एक रास्ता आप ऑप्शन से आप ट्राई करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्योंकि 20 माइनस 18 करोगे आपका दो आएगा और 20 इंटू 18 करोगे तो 360 आएगा, तो ऐसे ऑप्शन से मिल जाएगा। बट आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर जिसको ऑप्शन से करना नहीं आएगा वो कैसे सॉल्व करेगा, तो देखिए आप संख्या मान लीजिए सॉरी, एक संख्या ए है और दूसरी बी है, जब आप इसको ए माइनस बी करोगे तो एक आपका फार्मूला आ जाएगा कि ए माइनस बी इक्वल टू टू और ए बी इंटू 360, ये दो आपका इक्वेशन बन गया। अब थर्ड स्टेप आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको करना, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ठीक है। जब आप इस फार्मूले को आगे सॉल्व करोगे तो हमें a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा, फिर a प्लस बी और a माइनस बी का जो इक्वेशन आएगा उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राफेल इज प्रोक्योर फ्रॉम विच कंट्री, राफेल किस कंट्री से खरीद कर लाया गया, कहाँ से खरीदा गया, तो राफेल हमारा फ्रांस से खरीदा गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये पीपीटी वालों के लिए क्वेश्चन था, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 12 देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, ये भी एक चतुर्भुजी होता है बट इसको ऐसे होता है, ठीक है, इसके डायगोनल है तो इसके डायगोनल का जो लेंथ होता है अलग अलग होता है, एक डायगोनल का बोल रहा है कि ये 16 है और एक का 12 है, ठीक है। तो उसके बाद ये फिर पूछ रहा है कि फिर रोम्बस के किनारों की लंबाई क्या पता लगे, फिर ये भुजाओं का लंबाई पूछ रहा है, तो आप देखिए यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये 12 है और ये 16 है, अगर आप इसको ले लें तो समकोण त्रिभुज बनेगा, 16 का आधा करेंगे ये 8 हो जाएगा और ये 12 6 हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही आप वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर n माइनस टू 4n-1 एंड 5n+2 आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ n इज, देखिए बोला कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज दिया हुआ है, समांतर से नहीं दिया हुआ, अब उसमें पूछ रहा है कि n का मान बताइए, n का मान ज्ञात करना है। आपको पता होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो डिफरेंस होता है ना उस सबका डिफरेंस सेम होता है, डी कॉमन होता है, सेम होता है, तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो ए, इसको ए मान लीजिए, ए वन ए टू ए थ्री अगर ऐसे आप मान लेते हैं इसको, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू, ठीक, ऐसे आप डिफरेंस निकालोगे, तो जब आप इसको ऐसे करोगे ना 4n-1 माइनस n माइनस ऑलरेडी है सॉरी
ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस टू इक्वल टू फिर 5n प्लस टू माइनस 4n प्लस वन हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n का मान आप आपको यहाँ से फाइंड होगा 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू टू एंड x प्लस वाई इक्वल टू फोर को सॉल्व कीजिए। एकदम एडिशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अभी x प्लस वाई इक्वल टू फोर और x माइनस वाई इक्वल टू टू, जब इसको सॉल्व करोगे माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 3, ठीक है, और y का वैल्यू आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इतना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिया है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती इतने सिंपल क्वेश्चन के। और PPT वालों का भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इतना इसका पूछ रहा कि डिग्री बताइए। तो जो एक्स की पावर होती है ना, एक्स की पावर जो हाईएस्ट होती है उस वही हमारा डिग्री होता है। जो तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो जो हाईएस्ट पावर आएगी एक्स की वो 5 आएगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसमें क्या है कि इन द गिवन रिएक्शन Al2O3 प्लस NaOH गिव्स डैश दिया हुआ है प्लस H2O, व्हाट इज द एलिमेंट एक्स, एक्स की जगह पे पूछ रहा है क्या होगा। तो जब भी हम Al2O3 का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं ना, तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट ऐसा, अरे यार इसका नाम नहीं याद आ रहा, तो NaAlO2 देता है, ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो इलेक्ट्रिसिटी जब बताया था तो मैं आपको बताया था कि इसका फार्मूला बता चुका हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए, एन इलेक्ट्रिकल अप्लाइसेंस हैज रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस इज कनेक्टेड टू 30 वोल्ट सप्लाई लाइन द करेंट पासिंग इज विल थ्रू, बोल रहा है कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज है, मान लीजिए TV ले लो, उसका जो रेजिस्टेंस है 25 ओम है, R का मान दे दिया है 25 और वोल्ट सप्लाई का मान वोल्टेज का मान दे दिया 230 वोल्ट, तो पूछ रहा है करंट का मान बताइए। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था V=IR, ठीक है, यहाँ से I का मान आप जब निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 9.2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए PPT वालों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन केस ऑफ चार्ज कंडक्टिंग सेल एट एनी, कोई भी चार्ज सेल है ना, मतलब अगर सेल है वो सर्किल या फिर सिलेंडर है ना, तो जो इंटरनल पार्ट होता है ना, इंटरनल उसका इंटरनल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, इंटीरियर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है PPT वालों के लिए भी है, ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ विथ वेलोसिटी वी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डबल एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाफ द रेडियस, बोला कि एक कोई चुंबकीय आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र बी में घूम रहा है वी वेलोसिटी के साथ, फिर बोला यदि उसका वेलोसिटी डबल कर दें और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आधा कर दें तो उसका रेडियस क्या होगा। अभी देखिए इसका रेडियस क्या होगा, इसको बस दो फार्मूले लगाने हैं आपको और कुछ नहीं करना है। एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा F=QVB, क्यू क्या है आवेश है, वी क्या है वेलोसिटी है, बी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र है। फिर एक फार्मूला और होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, F=MV²/R, आर स्क्वायर हो गया, F=MV²/R² जो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इन दोनों फार्मूलों को, अभी हम F की जगह पे ना यहाँ पे QVB रख देंगे,
QVB बराबर MV स्क्वायर बाई R। जब आप रखोगे तो R का यहाँ पे देखिए V से V कैंसिल हो जाएगा, R का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। जब आप इसको F का जो वैल्यू है ना यहाँ पे रख देना, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो एक फार्मूला कुछ इस टाइप का बन के आएगा। उस फार्मूले में बस आप जो जैसे वो बोल रहा है वैसे आप कर दोगे, चुंबकीय क्षेत्र आधा कर देना और वेलोसिटी डबल कर दोगे तो 4 times आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 39 है, एनिमल लिविंग ऑन लैंड एंड वाटर, बोल रहा कि ऐसा कौन सा जानवर होता है जो पानी और सतह दोनों पर रह सकता है, तो ऐसे जानवर को हम उभयचर बोलते हैं, एम्फीबियंस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर एन पोटेंशियल सरफेस, देन बोल रहा है कि एक समान विभवांतर सतह पे एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में क्या कार्य होता है, कार्य क्या किया जाता है, तो उसके बारे में पूछ रहा है, वर्क के बारे में। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ना इक्विपोटेंशियल, इसको समझना जरूरी है, इसको अगर कोई ध्यान नहीं दिया होगा तो आंसर वो गलत करके आया होगा। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या हुआ कि उसका जो विभवांतर है ना पोटेंशियल, वो हर जगह सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा यहाँ भी सेम होगा। तो आप सपोज करो कि यहाँ पे कोई आवेश है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे, तो जब हमारा विभवांतर सेम है ना तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नो वर्क इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में जो फोटोसिंथेसिस होता है ना वो मैग्नीशियम के कारण ही होता है क्लोरोफिल में। अगर क्लोरोफिल में मैग्नीशियम ना हो तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी अच्छे से, ये प्रकाश को ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी अच्छी होती है इसकी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज, टोटल सरफेस एरिया पूछे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा 2πr इंटू आर प्लस ए। सरफेस एरिया क्या होता है पहले तो आप ये समझो, सरफेस आप अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई ना तो फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको समझो कि ये सरफेस एरिया होता क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर केवल सरफेस एरिया पूछेगा ना तो हम केवल इतने का एरिया बताएंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जब पूछेगा तो इतना प्लस इतना प्लस इतना, कोई पूरे का सरफेस एरिया हमें बताना है, और सरफेस एरिया केवल बताना है नॉट इनसाइड, केवल एरिया मतलब ये जो मटेरियल है ना वो एरिया बताना। सपोज़ करो कि कोई सर्किल है ना, तो सर्किल ये जिस तार से बनाई गई है, ये जो एक ये तो कोई तार है ना, तो तार की लंबाई यहाँ से यहाँ तक ये तार की लंबाई है ना, तो ये जो तार की लंबाई है वो सर्किल का हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है, उसी को हम परिधि भी बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज, बोल रहा है कि किसी गोले का आयतन और सरफेस एरिया सेम है तो गोले की त्रिज्या बताइए। तो गोले का आयतन क्या होता है, आयतन का जो फार्मूला होता है 4/3πr³, और सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है, एक गोले का आयतन का फार्मूला है, सरफेस एरिया का फार्मूला 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, r
स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर बाई थ्री। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 3 यूनिट आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिए फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो आप इसी फार्मूले में आपको बस रखना है, आंसर आ जाएगा। ऐसा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 40% बाय हाउ मच परसेंटेज द एरिया इंक्रीज। बोला कि एक कोई वृत्त है, सर्किल है, उसका जो डाया है वो 40% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना बढ़ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है और ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, वो आप अपना आंसर मैच कर लेना। तो अभी देखिए इसको सॉल्व कैसे करना। बोला कि ये कोई वृत्त है, मान लीजिए इसका डाया दिया है डी है। अब बोला इसका डाया बढ़ा दिया गया 40%, तो दूसरा वृत्त जो बनेगा उसका डाया हो जाएगा, इसका जो 40% निकालेंगे ना, डी का 40%, तो आपका आएगा 1.4D आएगा। ठीक है, तो 1.4D का ये सर्किल बनेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, तो डी की जगह पे हम डी का 40% जितना आएगा उतना रख के जब आप सॉल्व करोगे ना, तो जो एरिया आएगा और जो पहला वाला एरिया था, देखिए परसेंटेज निकालने का जो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ना, तो फाइनल एरिया ए डैश मान लो माइनस इनिशियल एरिया, ठीक, अपॉन इनिशियल एरिया इनटू 100 करोगे तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ वो निकल के आएगा। तो आपका फार्मूला वही लगाना, बस डी का जो वैल्यू है वो जितना इंक्रीज हो रहा है उतना रखना है और कुछ करना नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीनोम ऑफ द वायरस। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डीएनए और आरएनए। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका द एरिया ऑफ ए सर्किल इज 1 2 5 6, फाइंड द डायमीटर। सर्किल का एरिया क्या होता है, वो फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 1256। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यहाँ से आर का मान आ जाएगा, जब आर का मान जितना आएगा उसका आप डबल कर देना तो हमें डायमीटर का मान पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं, उसका हाफ करना है। ठीक है, आर सॉरी उसका डबल करना है। ठीक है, तो आर का जितना वैल्यू आएगा उसका आप डबल कर देना तो डायमीटर का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ। बोला है कि एक चालकता सेल, जो सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड बना होता है किसका रहता है, प्लेटिनाइड प्लेटिनम का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, प्लेटिनाइड प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, द कन्वर्ट द यूनिट एम के एस टू यूनिट ऑफ एस आई फैक्टर 9.8 इज यूज फॉर। 9.8 किसका वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि किसको कन्वर्ट करने में मतलब इसका जी का यूज किया जाता है। तो आप मैन्युअली देखोगे तो ये मास में आएगा, अगर ऑल ऑफ द एबव की जगह पे कुछ और दे देता है ना तो आपको आंसर मास देना है, बट यहाँ पे दिया कि ऑल ऑफ द एबव दिया तो ऑल ऑफ एबव डालना है, क्योंकि आप जब फोर्स का फार्मूला लगाओगे ना एफ बराबर एम में। ठीक है, तो यहाँ भी मास आ गया। ठीक है, तो इसके लिए ये आंसर भी सही रहेगा। वर्क एनर्जी का भी जब फार्मूला लगाओगे तो उसमें फोर्स आएगा, तो फोर्स में ऑलरेडी मास है। ठीक है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन जो होगा ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि कंबाइन द रजिस्टर 5 कूलम 4.5 कूलम एंड 3 कूलम इन सच ए वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइनेशन इज मैक्सिमम। ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में।
समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि तीन रजिस्टर हैं, 5, 4.5 और 3, बोला कि इनको कैसे ऐड करना है, किसका मैक्सिमम आएगा। अभी देखिए यहाँ पे ए नहीं दिया कि सीरीज में करना है या फिर पैरेलल में करना, बट आपको माइंड में रखना है कि सीरीज में ज़्यादा आता है कि कम आता है। तो जब भी हम सीरीज कनेक्शन करेंगे ना, तो उसमें जो रिजल्ट होता है वो हमारा मैक्सिमम आता है, और पैरेलल में जो रिजल्ट आता है वो सबसे कम आता है। तो हम इसको सीरीज में जोड़ देंगे। सीरीज में क्या बताया था मैंने, आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन कहाँ से समझना है, कॉम्बिनेशन इज मैक्सिमम, तो यहीं से पकड़ना है कि हमें पैरेलल करना है या फिर सीरीज करना है। नेक्स्ट आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर नॉन फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया कहाँ किया जाता है, तो ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और परफ्यूम तीनों में किया जाता है। इन दोनों में मेन यूज जो होता है ना, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन में किया जाता है, उसका कूलिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आपका, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एशियन गेम फॉर इन 400 मीटर रन, एक क्वेश्चन में बताया था, बट उस टाइम आंसर शायद गलत बताया था मैं। इसका जो राइट आंसर है ना, कमलजीत सिद्धू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 5:6, इफ 8 इज डिडक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर देन रेशियो बिकम्स 4:5, देन द नंबर आर, बोल रहा है कि दो संख्याएं दी हुई हैं, दो संख्याएं जिनका जो रेशियो ना 5:6 है, यदि उस प्रत्येक में से हम 8 को घटा देना तो उसका रेशियो इतना हो जाता, तो संख्याएं याद कीजिए। इसको कैसे सॉल्व करना, लेट नंबर जो है ना 5x एंड 6x, ऐसे इमेजिन कर लेना, लेट करना है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, प्रत्येक समय से 8 घटाना है, तो 5x-8y 6x-8 इक्वल टू कितना हो जाता है, 4/5 हो जाता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी इज 5, देन व्हाट इज a18-a13। अभी देखिए a18 क्या है, मतलब 18वां पद, ये पूछ रहा है 18वां पद, ठीक है, और a13 पूछ रहा है 13वां पद पूछ रहा है। तो हम सबको पता है कि जो डिफरेंस होता है ना, वो सब में कॉमन होता है। तो 18वां पद अगर निकालना हो तो कैसे निकाल लेंगे हम, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, a18-a13, तो a17 प्लस a माइनस 12 प्लस की जगह पे अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अभी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सॉरी अभी यहाँ पे फार्मूला मैं गलत लगा रहा हूँ, एक्चुअली ए 18वां पद है और ये 13वां पद है। जब आप इसमें जो फार्मूला होता है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो लगाओगे ना जो कॉमन डिफरेंस का यूज करके, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, 56 में क्या है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, बोल रहा है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8, बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिससे
इसको और इसको डिवाइड करने पर जो हमारा शेषफल आता है ना वो 5 और 8 आता है। तो अभी आंसर मैं निकाला नहीं, वो शायद 13 है। जब आप 13 से इसमें डिवाइड करोगे ना, आप देख लो 13 70 है ना, तो कितना आएगा, 5 बच जाएगा ना हमारा, 5 शेष आएगा। तो एक ऑप्शन, एक आंसर क्लियर हुआ। और जब ऐसे 125 को आप डिवाइड करोगे तो ऑप्शन जो शेष बचेगा 8 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका कि हुज अमंग द फॉलोइंग न्यू एज पायोली एक्सप्रेस। पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसको जाना जाता है, पीटी उषा को पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाता है, क्योंकि इनका बर्थ प्लेस क्या है, पायोली में, एक केरल में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वाशिंग सोडा इज द कॉमन नाम। वाशिंग सोडा को क्या नाम से जानते हैं हम, तो सोडियम कार्बोनेट के नाम से हम लोग वाशिंग सोडा को जानते हैं, Na2CO3। ठीक, सोडियम कार्बोनेट को धवन सोडा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या है, एन है। अपने इंडिया का क्या है, रुपी है ना, और बांग्लादेश का क्या है, टका होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटॉम ऑफ एन एलिमेंट ए इज 19, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स ए प्लस। बोल रहा है कि कोई एटॉम है उस पर ए प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ। अभी उसमें प्रोटॉनों की संख्या 19 है, ए प्लस का मतलब क्या हुआ कि इसने एक किसी से उधार लिया है, मतलब किसी से लिया है एक। अगर एक माइनस होता ना, मतलब इस यहाँ पे माइनस साइन होता, तो मतलब इन्होंने किसी को दिया है एक। तो इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन अगर 19 है ना तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। अगर यही ए माइनस होता तो हमारा प्रोटॉन कितना हो जाता, 20 हो जाता, इलेक्ट्रॉन 20 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि व्हेन ए बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ग्लास प्लेन द कलर ऑफ लाइट व्हिच विल डिवेटेड लिस्ट इज। बोला कि जब का जो श्वेत प्रकाश होता है ना, सूर्य की प्रकाश जब ये प्रिज्म से टकराती है ना, तो उसमें सबसे कम कौन से कलर विचलित होते, मतलब अपने रास्ते से सबसे कम कौन सा विचलित होता है, तो रेड होता है, रेड सबसे कम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड में इधर 13 14 15। एक त्रिभुज है, इसके मतलब जो भुजाओं की लंबाई दिया है 13 दिया है, 14 दिया है और 15 दिया है। अभी इसका एरिया पूछ रहा है, तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, हीरो फार्मूला। ठीक है, हीरो फार्मूला आप यूज करोगे तो इसका ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन मैंने चेक नहीं किया कि कौन राइट आंसर होगा, ये छूट गया था शायद बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट है, हाउ मैनी बोन्स डज ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी हैव। एक स्वस्थ मानव के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती है, ये सबको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट आपका, द एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट इज। बोला कि सबसे अच्छा जो लाइट मिलता है ना, सबसे एफिशिएंट लाइट, वो किससे मिलता है हमें, CFL से मिलता है। इसमें हमें सप्लाई बहुत कम देनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन इट हाउ मेनी पॉइंट्स। बोला कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं से काटती है, तो स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर ही टच करती है। स्पर्श रेखा क्या होती है,
जो उसको स्पर्श करती हुई जाए, उसको हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। नो, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, इनफाइनाइट, क्योंकि कितनी भी हम स्पर्श रेखाएँ यहाँ से खींच सकते हैं, स्पर्श रेखाएँ कितनी भी खींची जा सकती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज श्री राजनाथ सिंह। राजनाथ क्या है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अभी जस्ट जून में अपॉइंट हुए हैं, इसके पहले कौन थी, निर्मला सीतारमण थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, राजनाथ सिंह। तो ये था लास्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा क्वेश्चन तो कलेक्ट हुए नहीं, तो चलिए आप इतना आंसर आप मैच कर लीजिए और रिजल्ट का वेट करते हैं, देखते हैं किसका क्या रिजल्ट आता है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिजल्ट आने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।